नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका STS प्राइम के इस वीडियो में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे IPO के बारे में। आपने सुना होगा बहुत सारे IPOs आते हैं, बहुत सारे अपन न्यूज़ में सुनते हैं कि वो IPO ओवर सब्सक्राइब हुआ, वो अंडर सब्सक्राइब हुआ, वो इतना गेन करके लिस्ट हुआ, इतने प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। तो IPO आने के बाद की स्टोरी अपन सुनते हैं। IPO आने से पहले क्या स्टोरी होती है, क्या कंपनी चाहती है और क्या उसका रीजन होता है, उसका एनालिसिस इसमें करेंगे। बहुत सारे IPOs आते हैं, बहुत सारे ओवरप्राइज्ड होते हैं और बहुत सारा लॉस इन्वेस्टर्स को होता है, तो उसके पीछे क्या रीजन है, तो उसके बारे में इस वीडियो में अपन जानेंगे। फर्स्ट अपन जानते हैं एक पूरा प्रोसेस कंपनी स्टेबल होने से बाद का और पहले का कि क्या पूरी स्टोरी रहती है। जब दोस्तों कोई भी इन्वेस्टर एक कंपनी फाउंड करता है, कंपनी बनाता है, तो जब वो कंपनी बनाता है तब उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, फंड की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम। जब वो सारी स्टेज से वो गुजर जाता है, यानी कि वो कंपनी को अच्छे से फाउंड कर लेता है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा आने लग जाता है, कंपनी बड़ी हो जाती है, धीरे धीरे कंपनी आगे ग्रोथ करती है और बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, तब कंपनी के मैनेजमेंट को या प्रमोटर्स को ये लगता है कि वो उनकी कंपनी का जो प्राइस है काफ़ी हाई हो गया है, यानी कि जो मार्केट में कंपनी का प्राइस है वो काफ़ी हाई लेवल पे हो गया है और उन्होंने जितना प्रॉफिट, जितनी अर्निंग करनी थी उतनी कर चुके वो, तो अब वो क्या सोचते हैं कि अपन एग्जिट लेते हैं, यानी कि कंपनी से अपन बाहर जाते हैं, अपने स्टेक को सेल करते हैं। तो उनको वो चाहते हैं कि हमारी कंपनी का काफ़ी हाई प्राइस हो गया है तो अब हमको अपना स्टेक बेचना है, तो उसके लिए वो हायर करते हैं मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर के बारे में डिटेल से मैं अनदर वीडियो में समझा चुका हूँ कि मर्चेंट बैंकर क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है। तो मर्चेंट बैंकर बेसिकली जो ब्रोकर हैं अपने, उसी टाइप मर्चेंट बैंकर होते हैं। एक जो ये बाई सेलिंग या फिर जो DRHP का जो प्रोसेस होता है, रेड हेरिंग, प्रोस्पेक्टर, इन सब के बारे में मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये मर्चेंट बैंकर को हायर करते हैं अपने स्टेक को सेल करने के लिए, और मर्चेंट बैंकर से ये डील करते हैं कि जो हमारे कंपनी या हमारे शेयर प्राइस है, जो हमारे बिजनेस है, इसको आप जितने ज़्यादा हाई में बेचोगे लोगों को या किसी और इंस्टीट्यूट को या फिर अदर पब्लिक इन्वेस्टर को, उतना ही आपको फीस मिलेगा। यानी कि मर्चेंट बैंकर और इनकी डील ये होती है कि हमारे बिजनेस को आप जितने ज़्यादा प्राइस में मार्केट में बेचोगे उतना ज़्यादा आपको हम फीस पे करेंगे, इस थॉट पे इनकी डीलिंग होती है। जब ये डीलिंग हो जाती है तो मर्चेंट बैंकर क्या हो गया, एक तरह से जो कंपनी के लिए तो वो सेलिंग एजेंट हो गया। कोई भी प्रोडक्ट मैं आपको दूं कि इसको जितनी ज्यादा प्राइस में मार्केट में आप बेच के आ सकते हो उतने में बेचो, तो मर्चेंट बैंकर एक कंपनी के लिए क्या हो गया, एक सेल एजेंट है, सेलर है। वो मार्केट में जाएगा, वो जितनी ज्यादा प्राइस में बेच सकेगा उतने में बेचेगा। अब आपको पता होगा दोस्तों कि मोस्ट प्रोबेबली जो IPO आते हैं वो बुल मार्केट में आते हैं, जब अच्छा मार्केट होता है, बहुत अच्छी सिचुएशन होती है, जो भी सेक्टर अच्छा बूम कर रहता है उसका IPO आता है। अगर सपोज कीजिएगा फार्मा सेक्टर का अच्छा नाम है, अच्छी खबरें आ रही है उसके बारे में, अच्छी न्यूज आ रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो फार्मा सेक्टर कंपनी का IPO आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर मेरे पास कोई मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है और मैं उसको बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं उसी टाइम बेचूंगा ना जब उसकी मार्केट में डिमांड है, और अगर वो सोने का अंडा दे रही है तो बेसिकली मैं उसको बेचूंगा ही क्यों, क्योंकि उससे तो मुझे अर्निंग हो रही है। तो कंपनी अपना IPO कब लाती है, जब उसको लग जाता है कि वाकई में इतनी ज्यादा अब अपने पास अपॉर्चुनिटी रही नहीं, अपन ने जितना कमाना था वो कमा चुके, अब अपने को यहाँ से निकलना है, तो कंपनी IPO लाती है। और IPO ऐसे टाइम में लाती है जो मर्चेंट बैंकर हायर करते हैं। तो मर्चेंट बैंकर क्या कहते हैं, वो उनका अपना दिमाग लगाते हैं और वो अच्छे से अच्छे टाइम में IPO को लाते हैं, एक बुल मार्केट में लाते हैं। तो उसमें क्या है, पब्लिक इन्वेस्टर जो भी IPO में निवेश करता है वो सोचता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, मार्केट तो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, और जो ये कंपनी आई जिसका सेक्टर बढ़िया है, ये तो आगे बहुत ग्रोथ करेगी, बहुत कुछ होना है, बहुत प्रॉफिट हमको मिलेगा, तो लोग उसमें सब्सक्राइब करते हैं। तो मर्चेंट बैंकर कंपनी के लिए हो जाता है एक सेलिंग एजेंट, यानी कि बेचने वाला। और वही मर्चेंट बैंकर इन्वेस्टर के लिए क्या होता है, मर्चेंट बैंकर कौन होते हैं, जो ब्रोकर जो रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जो इन्वेस्टर को अवेयर करते हैं कि इस कंपनी में ये है, इस कंपनी में वो है, इसका फंडामेंटल मजबूत है, इसका ये है, इसकी सेलिंग ऐसी हो रही है, तो वही तो उनके मर्चेंट बैंकर है। तो वही मर्चेंट बैंकर इन्वेस्टर के लिए क्या हो गए, वो एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो गए। अपन ब्रोकर के पास जाते हैं, ब्रोकर कहता है कि इस कंपनी में पैसा लगा दो, ये बहुत अच्छी कंपनी है, तो अपने लिए क्या है, ब्रोकर एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, वो एडवाइजर करेगा, वहां पैसा लगाएंगे। और वही बंदा कंपनी के लिए क्या कर रहा है, सेलिंग एजेंट है,
वो उनका प्रोडक्ट जितने हाई में बेचेगा उतना ही उसको प्रॉफिट होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि मर्चेंट बैंकर लोगों को हाई में क्यों बेच पाते हैं, क्योंकि लोगों में ऐसा क्रिएट करते हैं, वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा सलाह देते हैं। जब भी आईपीओ आता है आपको लगेगा कि न्यूज पे जो एंकर बैठा हुआ है वो भी कहेगा कि बहुत अच्छी कंपनी है, आप कुछ नहीं तो लिस्टिंग गेन तो आप ले ही सकते हो, बहुत प्रूवन रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब ऐसे ऐसे शब्द यूज किए जाएंगे जिनको आपसे कभी पाला पड़ा ही नहीं उन शब्दों का। तो ऐसे शब्द यूज करके वो आपको फूल बनाते हैं, क्योंकि वो उस कंपनी का शेयर जितने हाई में बेचेंगे उतना ही उनका प्रॉफिट होगा। और आपको बेवकूफ बनाने के लिए वो ऐसे शब्द यूज करते हैं कि लिस्टिंग गेन ले लो और नहीं तो कुछ। लिस्टिंग गेन का मतलब क्या है, मैं आपको कोई चीज बेच देता हूँ 100 रुपए में जबकि वो 10 रुपए की है, अब 100 रुपए में मैंने तो आपको बेच दी, मेरी प्रॉब्लम तो खत्म। तो जो भी न्यूज आती है, जो भी कुछ आता है, जो भी रिसर्च रिपोर्ट आती है आईपीओ की, उसमें कहा जाता है कि आपको कंपनी का उतना अच्छा भविष्य नहीं लगता तो आप लिस्टिंग गेन ले लो। लिस्टिंग गेन का मतलब क्या है, उसको खरीद लो और मार्केट में बेच देना। उसका मतलब खरीदने का क्या है कि अगर वो 10 रुपए की चीज 100 रुपए में अपने को कोई बेच रहा है तो अपन ये आशा करके उससे खरीद रहे हैं कि हम इसको 150 में बेचेंगे, लेकिन जो बंदा फर्स्ट लेवल पे बेच रहा था 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में, उसको तो उसके 100 रुपए मिल गए। उसको थोड़ी मतलब कि आपकी चीज 150 में बिके तो बिके, नहीं तो 10 रुपए में बिके, उसको उससे कोई मतलब नहीं। आपने शेयर लिस्टिंग के लिए खरीद लिया, लिस्टिंग गेन के लिए, लेकिन अगर लिस्ट के टाइम 50% 100% गिर गया तो वो लॉस तो आपका है, उसका थोड़ी है। तो ऐसे यूफोरिया बनाया जाता है मार्केट में, और जो मर्चेंट बैंकर होता है ये ब्रोकर ही होते हैं, ब्रोकर होते हैं तो दोनों को कस्टमर को इधर से फूल बनाते हैं और कंपनी को जितने हाई प्राइस में ये बेचते हैं वो वहां से इनका फीस कमाते हैं। तो इससे अपने को ये समझ आता है कि कंपनी ऐसे वक्त में ही आईपीओ लाती है जब मार्केट में उसका ट्रेड फैंसी होता है, जैसे सेक्टर फैंसी होता है, जैसे कंपनी की मांग बहुत ज्यादा होती है कि बहुत अच्छी कंपनी है, और न्यूज में और पब्लिक जो भी गैदरिंग होती है जहां भी सब जगह ये क्या करते हैं कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसा इन्वेस्टर के माइंड में डालते हैं। तो इस वजह से कंपनी हायर प्राइस पे ये लिस्ट करती है, क्योंकि सभी को पता है दोस्तों, अगर कोई बिजनेस खुद कर रहा है, उसने बिजनेस किया है, बिजनेस को स्टार्ट किया है, स्टेबल किया है, बड़ा किया है, तो डेफिनेटली वो उस, अगर मेरी कोई चीज है, मेरे पास किसी भी चीज को मैं खुद ऑन करता हूं और मैं उसको बेच रहा हूं, और उसमें क्या हो रहा है कि चीज भी मेरी है और उसको बेचने का प्राइस भी मैं ही डिसाइड कर रहा हूँ। यानी कि अगर मेरे पास 10 रुपए का पेन है, मैं डिसाइड कर रहा हूँ मैं इसको 50 रुपए में बेचूंगा, तो डिसाइड भी करने वाला मैं ही, चीज भी मेरी, सेलर ही ये डिसाइड करेगा कि ये कितने में बिकेगा, तो फिर डेफिनेटली वो ओवर प्राइस है, क्योंकि कोई भी बेचने वाला नुकसान तो उसका करेगा नहीं, वो तो चाहता है कि मुझे जितना मिल सके उतना फायदा मिले। तो कंपनी उनकी बेचने की प्राइस भी डिसाइड वो ही करते हैं, और जो आईपीओ में लोग पैसा लगाते हैं वो सोचते हैं कि हमें तो बहुत अच्छी कंपनी है, ये है वो है, हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा, हमको ये मिलेगा, ऐसे बहुत सारे पैसे उसमें लगा।